डॉक्टर अमर सिंह आजाद अते होर सेहत माहिरां दे मुताबक सदा तंदरुस्त रहण दे नुक्ते गुरबाणी सेदत खेती दी गल मसले सारे करेगी हल। संपूर्ण खेती पूरन रोजगार जहर युक्त तो जहर मुक्त बल एक सफर फगवाड़ा गुड ग्रो क्रॉपिंग सिस्टम दे सफल खेती मॉडल दे नाल नाल होर सहायक कितियां तो इलावा समाजिक आर्थिक अते राजनैतिक मसलियां नाल संबंधित जानकारी चाहुंदे हो तां तुसी तुहाडा अपना मनुक्ता पक्षी यूट्यूब दरबारे खालसा चैनल सब्सक्राइब करो अते शेयर करके प्रचार विच हिस्सा पाओ। सुखविंदर सिंह किंगरा जी जिहड़े लंबे समय तो चारा बीज भी रहे ने जवाब भी रहे ने ओह विचार साझे करनगे। हां जी सत श्री अकाल जी सारे ही ग्रुप मैंबर जिन्हें भी जुड़े है जूम मीटिंग ते दरबारे खालसा चैनल नाल और विशेष तौर ते डॉक्टर विशिष्ट जी दा जिन्हां ने बहुत वधिया भूमिका बनी हैगी है और जिहड़ा अज दा विशा हैगा साडा उह हैगा चारे नूं लैके। चारे दे विच जिवें आपां गल करदे हुंदे आ कि फगवाड़ा टैकनीक दे विच तैयारी एक फसल अनेक भी तैयारी है जिहड़ी उह आपां इक्को ही ढंग दे नाल करदे आ जिहदे विच 4 फुट वाले आपां 10 टू 10 4 फुट रख के बैड प्लांटर दी बैड बनाए जांदे आ और उहदे विच की हुंदा है कि पानी नूं पानी दे सुभाव मुताबक खालियां दे विच रख्या जांदा है ते जिहड़ी साडियां फसलां हैगियां उन्हां फसलां नूं पंजा तत्तां नूं मैनेज करदे हुए उन्हां दी दूरी नूं मेनटेन करदे हुए उन्हां दे समें नूं मेनटेन करदे हुए जिवें डॉक्टर अवतार सिंह जी दसदे आ उन्हां नूं बैड्डां दे उपर बीजिया जांदा है तां जो जिहड़ा उन्हां दी न्यूट्रिशन वैल्यू उह भी वधिया बने और नाल दी नाल जिहड़ा उहदे विच स्पेस होण करके उहदी जिहड़ी झाड़ हैगी आ उहदी क्वालिटी आ जिहड़ी उह वधिया। सो इस करके असीं फसलां नूं उस तरीके बैड दे उपर करन दे नाल उहदी क्वालिटी दे विच बड़ा वाधा हुंदा और बहुत ही वधिया जिहड़े रिजल्ट उह किसान वीर पिछले समय तों लै रहे आ फगवाड़ा टैक्नीक दे विच। सो आपां अज गल करदे आ कि पशु क्योंकि पशुआं दा चारा भी बहुत ही जरूरी है कि उहनूं भी आपां नूं कैमिकल तों रहित करना पऊगा आपां नूं यूरिया डीएपी खादां तों बिना और जेकर इन्हां सारियां फसलां नूं असीं बैड दे उपर लैके जाने आ तां की सवाल यह है कि चारा भी बैड दे उपर जा सकदा है? बिल्कुल जा सकदा जी और उसे तरीके जिवें आपां फसलां दी क्वालिटी और क्वांटिटी जिहड़ी आ उह वधिया फगवाड़ा टैक्नीक दे विच बैड दे उपर लै रहे हां उसे तरह आपां चारे दी भी जिहड़ी आ क्वालिटी और क्वांटिटी है उह बहुत वधिया तरीके नाल लै सकदे हां। सो इहदे लई करना की है कि उसे तरह आपां जमीन नूं तैयार करना है लेजर लैवल अपनी जमीन होनी चाहीदी है और उस तों बाद वाह के सुहाग के तैयार करके और उस तों बाद जिन्ने भी चारे है चाहे वह असीं हुण समां हैगा जिवें जमी दा बरसीन दा लूसण दा है ना और इस तों बिना इस तों पहलां कई किसानां ने जिहड़ा ट्रायल कीते हैगे अपने खेतां दे विच उन्हां ने रिजल्ट बहुत वधिया आया जिहदे विच जवार बाजरा वगैरह बीजा सी। सो चारा चाहे कोई भी होवे चाहे सियाल वाला चाहे गर्मी वाला अपना जिहड़ा बीजण दा उह ढंग तरीका इक्को ही रहिंदा उहदे विच की है कि असीं जिहड़ा बैड प्लांटर लैणा खास करके उहदे ते थोड़ा जिहा खास ध्यान देना पऊगा सानूं बैड प्लांटर दे बैक साइड दे उपर जां तां कोई एंगल लगी होवे जिहदे नाल कि जिहड़ियां खालियां दे विचों मिट्टी निकल के कन्नां दे नाल साइड ते बैड दे उपर इकट्ठी हुंदी आ उह प्रोपर बैड दे उपर खिलर सके और जां फिर उहदे मगरा सानूं कोई मौके ते जिहड़ा कोई लक्कड़ दी जिहड़ी आपां फट्टी वगैरह बन सकदे हां जिहदे नाल कि उह जिहड़ी मिट्टी हैगी आ उह इकट्ठी हो के विचकार जिहड़ी बीज ढकिया जावे जिहदे नाल। सो इस तरीके बैड प्लांटर नूं ध्यान च रख के उस तों बाद असीं तैयारी की करनी हैगी है कि बीज लैणा किसी भी चारे दा चाहे बरसीन है चाहे आपां जमी बीजनी है चाहे हुण आपां लूसण बीजना उहदे बीज की जिहड़ी मात्रा उह घटा लैणी जिन्नी मात्रा असीं पाउने आ हरेक बीज की तकरीबन उहदा 25% मात्रा जिहड़ी उह जरूर घटाओ और जिहड़े भारे वाहण दे विच जिवें बूटा सिंह जी ने भी पिछली बार तजर्बा कीता सी उहनां दा मनणा है कि जिहड़ा बीज आ उह होर भी घटाया जा सकदा 33% तक घटाया जा सकदा क्योंकि असीं फगवाड़ा टैक्नीक दे विच जिन्नियां भी फसलां बीजदे हां उह बहुत ज़्यादा विरलियां बीजदे हां ते उहनां दा विरलियां बीजण दे नाल की है कि उहनां दी जिहड़ी आ
ग्रोथ है जी बहुत वधिया ढंग नाल हुंदी है और उन्हां दा जिहड़ा फोर्ट है वह जिहड़ा पूरा जिहड़ा बूटा वह विकसित हुंदा और इस करके जिहड़ा उहदा आकाश तत् आ उह कितना कितने मेनटेन होण दे विच उहनूं लाभकारी हुंदा और जिहदे नाल साडी क्वालिटी है वह बहुत वधिया बनदी। सो क्वालिटी नूं वधिया बनाउण वास्ते सानूं बीज है जिहड़ा उह घटाउणा पऊगा और जदों असीं बीज नूं घटा के छिट्टा दे देंगे और उस तों बाद साडा इक्को कम रहि जाणा हैगा बैड बनाउणा। जदों असी बैड बना ले बैड बनाने लगे ध्यान रखना कि जिहड़ी साडी साइडां तों मिट्टी साइडां ते आउंदी है बैड प्लांटर दे नाल उहदे नाल ही बीज आ जिहड़ा उह ढकिया जा। ते कई किसान की करदे आ कि जमीन नूं वाह के और उस तों बाद सुहागदे नहीं और सुहागण तों पहलां ही उहदा बीज दा जिहड़ा छिट्टा दे दिंदे। जे असी इत्थे आके जे बीज दा पहलां छिट्टा दे दईए ते साडा काफ़ी बीज आ जिहड़ा उह डूंगा चलिया जाता ऊड़िया के जान करके और उगण के दिक्कत आती है। जिमें बरसीन लूसन वर्गा बीज है जोड़ा बरीक हों इनू बहुत घट्ट मिट्टी की जरूरत होंगी है निकलने वास्ते पर जेकर असी सुहाग के जमीन बीज छिट्टा दे के और उस तो बाद बैडा बैड प्लांटर के बैड खिंचांगे तो वह मगर जी बनी हुई है फट्टी है ज एंगल आई प्रोपर वो उपर जो बीज के उपर जी मिट्टी है वह इको जी पाऊगी और इस तो बाद साडा इको कम रह जाता है जिदे असी खालिया दे विच पानी देना और जो असी खालिया दे विच पानी देना तो एक गल ध्यान दे विच रखनी है कि जिहड़ा 70% आ जिहड़े खालिया वह असी पानी दे नाल भरना है और 70% खालिया भरन तो बाद जेकर सानू लगे दूसरे दिन भी बीज के विचकार बैड तक सैल जी नहीं गई जे असी थोड़ा जिहा फरोल के देख सकते हैं सेंटर के विचों जेकर दो कुंगलों नीचे सैल हैगी है तो फिर कोई घबराने वाली गल नहीं फिर सही है। जेकर सैल ना हो कोशिश करो कि एक बार पानी जिहड़ा दोबारा फिर ला दो और उस दे नाल की है कि तुहाडे जिहड़ी है पूरा चारा जिहड़ा बैड के उपर वह बहुत ही वधिया तरीके दे नाल जर्मीनेशन जिहड़ी उह कर लूगा और जर्मीनेशन होण तों बाद असी कोई इस तों पहलां जिवें बीजण दे समें असी डाया वगैरह पाउने आ खादा वगैरह की वरतों करते हैं उन्होंने खादा की वरतों करने की कोई जरूरत नहीं हैगी और इस तो बिना जिमें आप बाद दे विच यूरिया दे काफ़ी ज जी खाद पठ्ठिया के जी चारे दे विच तकरीबन दूसरिया फसलों नालों सारे किसान वध पाउंदे आ क्योंकि उन्होंने इदा हुंदा कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ा ये चारा तैयार हो जाए। असी नोट किया होगा कि जिमें वटा के उपर जिहड़ा चारा हुंदा है जदों असी बीजदे हां ते उह बड़ा उहदी ग्रोथ जिहड़ी उह ज़्यादा हुंदी आ आम जिहड़े फ्लड इरीगेशन च बीजे दा उहदा कारण इही हुंदा कि उहनूं जिहड़ा पानी है जिहड़ा उह नमी दे रूप दे विच रेंज दे रूप दे विच मिलदा ते फ्लड इरीगेशन उत्थे नहीं हुंदा। सो इस करके जिहड़ा बैड वाला चारा होगा उहदे मुकाबले तुसीं दूसरे पासे जिहड़ा आपां आम ट्रेडिशनल तरीके दे नाल पहलां बीजदे हां उस तरीके बीजांगे तां चाहे उहनूं जिन्नियां मर्जी तुसीं खादां वगैरह की वरतों कर लो उहदे तों उह पहलां जिहड़ा उह तैयार नहीं हुंदा और दूसरे नंबर ते उहदी जिहड़ी क्वालिटी है उह नहीं उह बन पाउंदी क्योंकि सानूं खादां जां DAP छड्डना साडा जिहड़ा खर्चा घटना उहदे नाल नाल जिहड़ी साडी क्वालिटी है हर एक फसल की जिहड़ी क्वालिटी है उह बहुत वधिया आ रही है और जेकर क्वालिटी वधिया आऊगी तां मैनूं लगदा है कि इस दे विच सानू एक तरह का डबल फायदा हैगा और जिहड़ी न्यूट्रिश वैल्यू हैगी आ चारे की वह जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा हो जानी है पशुआं दे मतलब जिवें पशुआं दे जिहड़ियां घाटां आपां नूं हुण पाउडर वगैरह देने पैंदे आ इदां दी समस्या नहीं आऊगी और इहदे विच कोशिश कीती जावे कि चारे आपां नूं काफ़ी मतलब इह नहीं हैगा कि आपां इक्को तरह का चारा बीजीए कोशिश कीती जावे कि मिक्स करके जिहड़ा चारा है जिहदे विच असी जिहड़े जमी वगैरह होगी जां हना लूसन हो गया इस तों बिना होर मोटे अनाज भी इहदे विच पा सकदे आ हना और एक आउंदी हैगी अपने सौंक आउंदी हैगी आ इदां दा मतलब काफ़ी जिहड़े बीज हैगे आ जिहड़े साडे रवायती हैगे आ उहनां नूं असी सेंजी वगैरह हना वह भी असी वरत सकते हैं और ये जिहड़ियां कई किसान वीर विच पालक भी पाउंदे आ और पालक का भी काफ़ी जिहड़ा चारा बहुत वधिया विच उहदे
हो जाता है। सो इस तरीके बीजन का जो ढंग तरीका वह हरेक चारे का सेम ही है, चाहे जवार बीजनी है, चाहे तुम बाजरा बीजना, चाहे तुम सर्दियों वाला बीजना, सेम ही तरीके दे नाल जो चारा तुम बीजो। और इस तो बाद की है ये उस तरह जिमें दूसरिया फसलों आप पानी लाते हैं उस तरह इनू आप खालियों के पानी लाना ध्यान रखे रखने वाली गल ये हैगी है कि सानू बैड के उपर पानी नहीं चढ़न देना। और जो भी बैड के उपर पानी चढ़ता है तो साडा जिहड़ा उत्थे जाके फसल का थोड़ा नुकसान जिहड़ा सानू देखण च आउंदा उहदे विच की है कि जिहड़ा इहदे विच हवा जिहड़ी है जड़ां नूं मिलण वाली हवा जिहनूं ऑक्सीजन कह दिंदे आ, वह जिहड़े तत्त है उसनूं उहदे विच रुकावट आ जांदी है। सो इस करके कोशिश ये करो कि बैड के उपर कदे भी जिहड़ा ध्यान दे नाल पानी जिहड़ा उह ध्यान दे नाल लाया जावे। और इस तों बिना साडा कोई उहदे ते होर खर्चा नहीं, बीज तों बिना जिहड़ियां असीं खादां वरतदे आ उहनां दे सानूं कोई जरूरत नहीं हैगी। और पानी नूं ध्यान दे नाल और लोड़ मुताबक जिहड़ा पानी उह लाया जावे। इहदे नाल इक सब तों वड्डा जिहड़ा बरसीन दे विच फायदा होण वाला उह इह है कि बरसीन दे विच जिहड़ा गलन दा रोग बहुत ज़्यादा आ जांदा, जिहदे विच कि आपां फ्लड इरीगेशन दे विच पानी लाउण करके जिहड़ा थल्यों बरसीन थोड़ा जा बड़ा होने तो बाद उस तो बाद गाला पैना शुरू हो जाता उहदे मोढ़ा जिहड़े उह गलन लग जाते हैं। इहदे विच जिहड़ा उह गलन वाली समस्या जिहड़ी उह अपनी तकरीबन हल हो जाती है। और दूसरे नंबर ते गर्मियां वाले चारे दे विच इहदे च इक बेनीफिट यह हैगा कि ज्वार जिवें आपां बीजदे आ आम पद्धर जगह दे विच जिहदे विच फ्लड इरीगेशन करदे आ उत्थे कई वारी की हुंदा कि पानी ज्यादा पै जाण करके वाढ़ तो बाद दुबारा फूट है जिहड़ी उह नहीं फुटदी और उहदे विच समस्या खड़ी हो जाती है जेकर पानी उपर दी लंघ जावे। जिहड़ी बैड दे उपर बीजी होगी उहदे उपर तुसीं तुहानूं किन्नियां वी बारिशां चाहे किन्नियां वी आ जाण उहदे विच साडी इह समस्या नहीं आऊगी, तुहानूं जिहड़ियां फोटां उह उसे तरह बरकरार दो दीआं तिन जिहड़ियां फोटां उह मिल जाणगियां। ते बरसीन दे विच वी तुहानूं इक अद्धी फोट वध मिलेगी, घट नहीं मिलेगी। कल ग्रुप दे विच इक वीर दा पाई सीगी वीडियो वी और उन्होंने दस्सिया सी वी असीं इक फोट आ जिहड़ी उहदे दी बरसीन दी वध चारी है बैड ते बीजन कारण। एक तो सब तो वड्डी गल है ग्रोथ बड़ी स्पीड नाल हुंदी है। सो इस तो तकरीबन सारियां गल्लां कंप्लीट हो गईयां। बाकी जे किसी किसान वीर दा कोई सवाल होवे तां वह बेझिझक पुछ सकदा हैगा। धन्नवाद जी।